नमस्कार, जय श्री राम। श्री राम चरित मानस अखंड पाठ की 18वीं कड़ी में स्वागत है आप सभी पाठकों और श्रोताओं का। बड़ी धूमधाम से श्री राम व जानकी जी का विवाह संपन्न हो चुका है, साथ ही लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी उर्मिला, मांडवी व श्रुतकीर्ति के साथ विवाह बंधन में बंध चुके हैं। सभी नगरवासी अत्यंत प्रसन्न हैं इस संबंध से, और वर वधु के माता पिता, गुरु व अन्य प्रियजनों की प्रसन्नता का तो कोई पारावार ही नहीं है। तो चलिए वहीं लौट चलते हैं जनकपुर में एक बार पुनः, और जानते हैं आगे का हाल। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोट मनोज लजावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुन मन मधुप रहत जिन छाए, पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति, कल किंकि निकट सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर, पीत जनेऊ महा छवि देई, कर मुद्रिका चोरि चितुलेई, सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे, पियर उपरना काखा सोती, दुहुआ चरण लगे मनि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनो सकल सौंदर्य निधाना, सुंदर भ्रुकुटि मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मनि गाथे, गाथे महामनि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुर सुंदरी बरही, बिलोकि सब तिन तोरही, मन बसन भूषण वारी आरती करहि मंगल गावही, सुर सुमन बरसही सूत मागध बंदी सुजसु सुनावही, कोह बरहियाने कुवर कुवरे सुआसिनने सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के, लह कौरी गौरी सिखाव रामही, सीय सन सारद कहे, रनिवा सुहास बिलास रस बस, जन्म को फल सब लहे, निज पान मन महु देखियति, मूरत स्वरूप निधान की, चालत न भुज बल्ली बिलोकनि, बिरह भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम, न जाय कहि जानहि अली, बर कुंवर सुंदर सकल सखी, लवाई जनवास ही चली, ते समय सुनिय आशीष जहत, नगर नभ आनंद महा, चिरुजियहु जोरी चारु चारु, मुदित मन सब ही कहा, जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव, बिलोके प्रभु दुन्दु भी हनी, चले हरषि बरषि प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी, सहित बधूटिन कुंवर सब, तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, उमगे उजनु जनवास।
तो तुलसीदास जी का मन तो मानो श्री राम के उस सुंदर वर के स्वरूप में ही बस गया है। उनकी प्रशंसा करते वो अघाते नहीं हैं, कह रहे हैं कि उनका सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है, महावर से युक्त चरण कमल बड़े ही सुहावने लग रहे हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौंरे सदा छाए रहते हैं, पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को भी हरे ले रही है, कमर में सुंदर किंकिणी और कटसूत्र हैं, विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं, पीला जनेऊ शोभा दे रहा है, हाथ की अंगूठी चित्र को चुरा लेती है, ब्याह के सब साज सजे हुए हैं वे शोभा पा रहे हैं, चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं, पीला दुपट्टा कांखा सूती यानी जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं, कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो मानो सारी सुंदरता का खजाना ही है, सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर है जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं, और ऐसा मनोहर मौर माथे पर शोभा दे रहा है जिसकी तुलना नहीं है, उस सुंदर मौर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं, सब नगर की स्त्रियां देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, यानी उनकी बलैया ले रही हैं, और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं, सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर यानी कुल देवता के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। तो पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर यानी वर वधु का परस्पर ग्रास देना वो सिखाती हैं, और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं, रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है सारा। तो श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रहे हैं, अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाही दिख रही है, यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है, उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे तो केवल सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा ले चली, उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है, सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों, योगिराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंद भी बजाई और हर्षित होकर फूल बरसाए तथा जय हो कहते हुए वे सब अपने अपने लोक को चले गए। तो तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए, ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा वहीं उमड़ पड़ा हो। पुनिज नार भई बहु भांति पठे जनक बोलाए बराती, परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन की भूपा, सादर सबके पाए बखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना सील स्नेह जाए नहीं बरना, बहुरी राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए, तीन उभाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सब नृप दीन्हे बोले सूपकारी सब लीन्हे,
पनवारे कनक कील मनि पान सवारे सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर स्वाद पुनीत छन महु सबके परसिगे चतुर सुवार बिनीत पंच कमल कर जीवन लागे गारी गान सुनियत अनुरागे भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरस नहीं जाही बखाने परसन लगे सुवार सुजाना बिंजन विविध नाम को जाना चार भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरनी न जाई छरस रुचिर बिंजन बहु जाती एक एक रस अगणित भांति जेवत देहि मधुर धुनि गारी ले ले नाम पुरुष अरुनारी समय सुहावन गारी बिराजा हसत राव सुन सहित समाजा एह विधि सब ही भोजन कीन्हा आदर सहित आचमन दीन्हा दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज जनवा से ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर उसके बाद बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए गए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया गया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। तो चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोस गए। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले पांच ग्रास लेकर भोजन करने लगे। तो गारी का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम तो भला कौन जानता है। अब चार प्रकार के यानी चर्व्य चोष्य लेह्य पेय अर्थात चबाकर चूसकर चाटकर और पीसकर खाने योग्य ये भोजन की विधियां बताई गई हैं। तो उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छहों रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं। समय की सुहावनी गालियां शोभित हो रही हैं। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन यानी हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले गए। नित नूतन मंगल परमाही निमिष सरिस दिन जामिनी जाही बड़े भोर भूपति मन जागे जाचक गुनगन गावन लागे देख कोर बर बधुन समेता किमि कहि जात मोद मन
मन जीता। प्रात क्रिया कर गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा मिय जन बोरी। तुमरी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बुलाए गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुन गुर कर महिपाल बढ़ाई, पुनि पठाए मुनि वृंद बुलाई। बाम देव वर देव ऋषि, वाल्मीकि जा बाले। आए मुनि बर निकर तब, कौशिकादि तपसाली। दंड प्रणाम सब हृप कीन्हे, पूजे सप्रेम बरासन दीन्हे। चार लक्ष पर धेनु मगाई, काम सुरभि सम सील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्हे, मुदित महिप महि देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहिउ आज जग जीवन लाहु। पाय असीस महि सुआनंदा, लिए बोले पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि हय गय स्यंदन, दिए बोझ रुचि रवि कुल नंदन। चले पढ़त गावत गुन गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहू, सकै न बरन सहस मुख जाहू। बार बार कौशिक चरण, सी सुनाए कहराओ। यह सब सुख मुनि राज तब, कृपा कटाक्ष पसाओ। अब जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुट मणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुणों का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह तो कहा ही नहीं जा सकता। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। तो राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबी हुई वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आ गए। तो राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान थी, अच्छे स्वभाव वाली सुहावनी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे थे कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। तो ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा बहुत आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दान किया। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो कहते हुए चले गए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव संपन्न हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख हैं विशेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु कर तूती, नृप सब भांति सराह विभूति।
दिन उठ बिदा मधुपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवन सुहाय न काहू। बहुत दिवस बीते ही भांति, जनु स्नेह रज बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपह समझाई। अब दशरथ कहा आयस देहू, यद्यपि छाड़ न सकहू स्नेहू। भले ही नाथ कहे सचिव बुलाए, कहे जय जीव शीश तिन्ह नाए। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करो जनाओ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सद राओ। पुरवासी सुन चले है बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुन सब बिलखाने, मनहु सांझ सर सिज सकुचाने। जहाँ तहावत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति में वापकवाना, भोजन साजु न जाए बखाना। भर भर बसहा पार कहारा, पठै जनक अनेक सुसारा। तुरत लाख रथ सहस पचीसा, सकल सवारे नख अरसीसा। मत सहस दस सिंधुर साजे, जिन्हें देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मन भर भर जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। दाई जमित न सकिया कहे, दीन विदेह बहोरे। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह शील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रोक लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है, दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। तो इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझा कर कहा कि यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए हे नाथ। बहुत अच्छा कहकर अब जनक जी ने मुनियों की बात मानी और मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और मस्तक नवाया उन्होंने, तो जनक जी ने कहा अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं तो भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। अब जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात वापस जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या सच है। ये सुनकर सब उदास हो गए, ऐसे मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे, वहां वहां बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा गया था। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, तो अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ सब नख से शिख तक ऊपर से नीचे तक सजे हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न जवाहरात और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी।
तो इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी बहुत थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज ही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चल बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लघु पानी। पुन पुन सिय गोद कर ले ही, दे आशीष सिखावन दे ही। होए हु संतत पियहि प्यारी, चिरु वही बात आशीष हमारी। सासु ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखि आयसु अनुसरहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदु बानी। सादर सकल कुंवर समझाई, रानिन बार बार उर लाई। बहुर बहुर भेट ही महितारी, कहे बिरंच रची कत नारी। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानु कुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। चारियो भाई सुभाय सुहाए, नगर नार नर देखन धाए। को कह चलन चाहत हहि आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। लेहु नयन भरे रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हे विधि आनी। मरण सील जिम पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावनार की हर पद जैसे, इन कर दर्शन हम कह तैसे। निरखि राम शोभापुर धरहु, निज मन फन मूरति मन करहु। एहि विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठारन वासु। करछि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। तो इस प्रकार अब सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनकर ही सब रानियां ऐसी विकल हो गईं मानो जल में मछलियां छटपटा रही हैं। वे बार बार सीता जी को गोद में लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं कि तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के वश कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को रचा ही क्यों, क्यों ये दिन देखना पड़ता है बिछड़न का। तो उसी समय सूर्यवंश के पिता का स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चल दिए। तो स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े आए। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार भी कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को अब नेत्र भरकर देख लो हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि बनाया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन तो ठीक वैसे ही हैं। तो श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो।
अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में चले गए। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करने लगी। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुन पुन पद लागी। रही न लाज प्रीति और छाई, सहज स्नेहु बरन के मिंजाई। भाइन सहित उबटी अनुवाए, छरस सन अति हेतु जिवाए। बोले राम सो अवसर जानी, सील स्नेह सकुच मय बानी। राव अवधपुर चहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आयस देहु, बालक जानी करब नित नेहु। सुनत बचन बिलखे उरने वासु, बोले न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कोर सब लीन्ही, पतिन सौंपि विनती अति किन्ही। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरे कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूं, विदित गति सब की है। परिवार पुर जन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जान भी। तुलसी ससीलु स्नेहु लखि निज, किंकरी कर मान भी। तुम परिपूरन काम, जान सिरो मन भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष तलन करुणायतन। अस कह रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जन गिरा समानी। सुन स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सनमानी। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुर सिर नाई, भाइन सहित चले रघुराई। मंजु मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुन धीरज धर कोरि हकारी, बार बार भेट ही महतारी। पहुँचावहि फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुन पुन मिलन सखिन बिलगाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानहु कीन्ह विदेह पुर, करुणा बिरह निवासु। तो श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन करना असंभव है। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से शटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया और सासू में प्रेमवश बोल नहीं सकती थी। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की।
और बार बार कहा कि हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है, परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। तो हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी सहचरी करके मानिएगा। इसका पूरी तरह से ख्याल रखिएगा, ये कहना चाहती हैं माताएं। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों का नाश करने वाले हो और दया के धाम हो। तो ऐसा कहकर रानी चरणों में पड़कर रह गई चुपचाप, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर अब श्री राम जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चल दिए। तो श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती हैं और फिर लौटकर मिलती हैं। तो परस्पर जो माँ बेटी की प्रीति है बड़ी अनूठी है। तो बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े से अलग कर देता है। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जान के जाए, कनक पिंजर निराखी पढ़ाए, व्याकुल कहे कहाँ बैदेही, सुनि धीरज पर हरय न केही। भय विकल खग मृग ही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन हिराए और लाए जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। समझावत सब सचिव सयाने, कीन्ह विचारु नावसर जाने। बारह बार सुतावर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पाल किन्ह, सुमिरे सिद्धि गणेश। बहु विधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, हो ही सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। समय बिलो के बाजने बाजे, रथ गज बाज बरात न साजे। दशरथ विप्र बोले सब लीन्हे, दान मान परिपूरन कीन्हे। चरण सरोज धूर धर सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिर गजानन कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। सुर प्रसून बरसहि हरषि, करहि अपछरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। तो जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था,
और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा भला। तो जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा तो कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे परम वैराग्यवान कहलाते हैं, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भंग हो गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया और प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। तो सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई, सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने बहुत पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चल दिए हैं। तो समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। तो देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं, अप्सराएं गान कर रही हैं। अवध पति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अब अयोध्यापुरी को चल दिए हैं। नृप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाज गज दिन्हे, प्रेम पोष ठाड़े सब किन्हे। बार बार बिरदावल भाखी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुर बहुर कौशल पति कहही, जनक प्रेम बस फिर न चाही। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरे महीस दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतर भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। कौशल पत समधि सजन, सनमाने सब भांति। मिलन परस पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। मुनि मंडल ही जनक सिरनावा, आशीर्वाद सब ही सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूप सील गुण निधि सब भ्राता। जोर पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोह मोह ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशी। मन समेत जेहि जान न बानी, तरकिन सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नित कहे कहई, ज्योति हूँ काल एक रस रही। नयन विषय मो कहूँ भयो, सो सम
समस्त सुख मूल सबै लाभ जग जीव कहाँ भय ईसु अनुकूल। तब राजा दशरथ ने बहुत विनती करके वो प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब सब मंगनों को बुलवाया, उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार विरुदावली यानी कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौट गए। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना ही नहीं चाहते। तो दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर कर खड़े हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह आप बनाकर विनती करूं, किन शब्दों में विनती करूं? हे महाराज आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है। तो अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में नहीं समाती थी। तो जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप शील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। तो हे राम जी मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं, यानी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकता, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन किया करते हैं और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस यानी सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल हैं और आप हैं वो जो मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। तो ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। सब ही भांति मोहि दीन ही बढ़ाई, निज जन जाति लीन अपनाई, हो ही सहस दस सारद सेजा, करही कल्प कोटिक भर लेखा, मोर भाग्य राउर गुन गाथा, कहे न सिराहि सुनहु रघुनाथा, मैं कछु कहो एक बल मोरे, तुम्हारी जहु स्नेह सुठी थोरे, बार बार मांगो कर जोरे, मनु परिहरे चरण जन भोरे, सुन बर बचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परितोषे, कर बर विनय ससुर सन माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, बिनती बहुर भरत सम कीन्ही, मिले सप्रेम पुनिया शिष दीन्ही, मिले लखन रिपु सूद नहीं, दीन्ही असीस महीस, भय परस पर प्रेम बस, फिर ना वही शीस, बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई, सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमु न कछु प्रतीत मन मोरे, जो सुख सुजसु लोक पति चाही, करत मनोरथ सकुचत अहही, जो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्ध तव दर्शन अनुगामी,
कीन्ही बिनय पुन पुन सिरुनाई तेरे मही सुआशिषा पाई। चली बरात निशान बजाई मुदित छोट बड़ सब समुदाई। राम हिन रखी ग्राम नर नारी पाए नयन फल हो ही सुखारी। बीच बीच पर बास करी मग लोगन सुख देत अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। तो कहते हैं कि आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी, सम्मान दिया और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। तो जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए थे पूर्ण काम श्री राम जी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। तो जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चल दिए। तो जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, तो हे स्वामी वो सभी सुख और सुयश मुझे तो सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी है अर्थात आप पीछे पीछे चलने वाली हैं। तो इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौट गए। डंका बजाकर अब बारात आगे चल दी। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर ही सुखी हो रहे हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनब बर पाजे भेरी शंख धुन है गज गाजे। झांझ बिरब डिंड में सुहाई सरस राग बाजहि सहनाई। पुरजन आवत अकनि बराता मुदित सकल पुल कावलि गाता। निज निज सुंदर सदन सवारे हाट बाट चौहट पुर द्वारे। गली सकल अर गजा सिचाई जह तह चौके चारु पुराई। बना बजार न जाई बखाना तोरन के तू पताक बिताना। सफल पूग फल कदली रसाला रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी मन मय आल बाल कल करनी। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे सवारी। सुर ब्रह्मादि सिंहाहि सब रघुबर पुरी निहारी। भूप भवन तेहि अवसर सोहा रचना देख मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई
सिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। जनु छाह सब सहज सुहाए, तनु धर धर दशरथ गृह छाए। देखन हे तो राम बैदेही, कहूं लालसा हो है न केही। जूथ जूथ मिल चली सुवासिनी, निज छब निद रही मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु बेश भारती। भूपत भवन कोलाहल जोई, जायन बरन समौ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा बिसारी। दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाए पदारथ चारी। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। अयोध्यापुरी समीप आ गई थी। भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अर्गजे से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं, मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल यानी फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलश्री, कदंब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता खुशी से फूले नहीं समाते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उनकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल, शकुन, मनोहरता, रिद्धि, सिद्धि, सुख, सुहावनी, संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह, आनंद, मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। तो सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चल रही हैं। जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति को भी मात कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए हुए गा रही हूँ। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुधि भूल गईं। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहिन चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, पर छन साजु सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अक्षत अंकुर लोचन साजा, मंजुल मंजर तुलसी बिराजा। छुहे पुरट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीर बनाए। सगुन सुगंध न जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदि
करहि कल मंगल गाना। कनक थार भर मंगलनि कमल करनि ली मात, चली मुदित परछन करन पुलक पल्लवित गात। धूप धूम नभु मेचक भयउ, सावन घन घमंड जन ठयउ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बलाक अवले मनु करसहि। मंजुल मन मय बंद निवारे, मनहु पाक रिप चाप संवारे। प्रगट हिंदु रहे अटन पर भामिनी, चारु चपल जन दम कहीं दामिनी। दुंदु विधुनि घन गर्जन घोरा, जाचक चातक धादुर मोरा। सुर सुगंध सच बरसहि बारी, सुखी सकल ससिपुर नर नारी। समौ जान गुर आयस दीन्हा, पुर प्रभे सुरघु कुल मन कीन्हा। सुमिर शंभु गिरि जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। हो हित गुण बरसहि सुमन, सुर दुंदु भी बजाए। विबुध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाए। माताएं बहुत ही खुश हैं, सुख और आनंद से विवश हैं। उनके शरीर शिथिल हो गए हैं, मानो चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे तो सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी धूप दही पत्ते फूल पान सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा अक्षत चावल अंकुए गोरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण से कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सुगंध न जाहे बखानी, यानी शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सजा रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई, सुंदर मंगल गान कर रही हैं। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने लगी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप से धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती है मानो बगलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजे हुए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गण पपीहे मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। तो प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शुभ शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसुते हु लोक उजागर। जय धुन बिमल वेद बरवानी, दस दिस सुनिय सुमंगल सानी। विपुल बाजने बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरन न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। पु
पुरबासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहिन छावर मन गन चीरा, बार बिलोचक पुलक सरीरा। आरती करहिं मुदित पुर नारी, हर्षहिं निरख कुंवर बरचारी। सिबिका सुभग ओहार उघारी, देखी दुल्हि नहीं हो ही सुखारी। एहि विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करही, बधुन समेत कुमार। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मनि पट नाना जाती, करही निछावर अगणित भांति। बधुन समेत देखि सुत चारी, परमानंद मगन महतारी। पुन पुन सिय राम छब देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। सखी सिय मुख पुन पुन चाही, गान करही निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। देखि मनोहर चारिउ जोरी, सारद उपमा सकल ढंडोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। निगम नीत कुल रीत करे, अरघ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिछ सब, चले लवाई निकेत। और वहाँ मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोगों के उजागर श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बज रहे हैं, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की, वंदना की, तो श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित हो रहा है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी हो जाती हैं। तो इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजा द्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को भला कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं न्योछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर ही आनंदित हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। तो वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिवा ले चली। चार सिंहासन सहज सुहाए,
जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। धूप दीप नै भेद भेद विधि, पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि। बारही बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। वस्तु अनेक निछावर होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लहे जन संतत रोगी। जन्म रंक जन पारस पावा, अंध ही लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। एहि सुख ते सट कोटि गुण, पावहि मातु आनंद। भाइन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु। लोक रीत जननी करहि, बर दुल्हिन सकु चाहि। मोद विनोद बिलोकि बड़, राम मनहि मुस्काहि। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबही बंदि मांगहि बरदाना, भाइन सहित राम कल्याणा। अंत रहित सुर आशीष देही, मुदित मातु अंचल भर लेही। भूपति बोले बराती लीन्हे, जान बसन मन भूषण दीन्हे। आय सुपाय राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। देहि आशीष जोहारे सब, गावहि गुण गन गाथ। तब गुरु भूसुर सहित गृह, गवनु कीन्ह नर नाथ। तो सुंदर चार सिंहासन सजाए गए थे, जो मानो कामदेव ही ने अपने हाथ से बनाए हों। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हे और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर डुलाए जा रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया हो। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो। अंधे को नेत्रों का लाभ हो गया हो और गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आविराजी हो। और शूरवीर ने तो मानो युद्ध में विजय ही प्राप्त कर ली हो। तो इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद वो माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आ गए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हे दुल्हने सकुचाते हैं। तो इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई, इच्छाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया उन्होंने। सबकी वंदनाएं करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। तो देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से ही आशीर्वाद दे रहे हैं।
और माताएं आनंदित हो रही हैं, आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि भेंट किए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर चले गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। तो सब जोहार कर रहे हैं, वंदना करके आशीष दे रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्हीं, लोक वेद विधि सादर कीन्हीं, भूसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाय पखार सकल अनवाए, पूज भली विधि भूप जमाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। बहुविधि कीने गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन्हि प्रशंसा भूपति भूरी, रानन सहित लीन पग धूरी। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रह नृपुर निवासु। पूजे गुरु पद कमल बहोरी, कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी। बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीसु। विनय कीन्हि उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखे सब आगे। निगु मागे मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीन्हा। उर धरि राम हिसिय समेता, हरष कीन्ह गुरु गवनु निकेता। विप्र बधु सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी बुलाई सुहासिन लीनी, रुचि विचार पहिरावन दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। प्रिय पाहुने पूज जे जाने, भूपत भली भांति सन्माने। देव देख रघुबीर विबाहु, बरषि प्रसून प्रसंसि उछाहु। चले निशान बजाए सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम नहि दया समाई। तो अब वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार जैसे जैसे गुरु ने सिखाया, उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। तो ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया। राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए। राजा ने गाधे पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तो उनकी प्रशंसा और करते हुए रानियों सहित राजा ने विश्वामित्र की चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जिससे जोहता रहे, अर्थात जिससे राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर का ध्यान रख सके।
और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। तो फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में बहुत प्रेम था विश्वामित्र जी के लिए। बहुओं सहित अब सब राजकुमार और सब रानियों सहित राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं और मुनीश्वर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। तो राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुवासिनियों को, नगर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी आदि को बुलवा लिया। उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते थे। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले गए। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह और आनंद भर गया। अब जहां रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं सहित उन्होंने कुमारों को देखा। सब विधि सब ही समध नर नाहू, रहा हृदय भरी पूरी उछाहू। जहर निवास तहां पगुधारे, सहित बहु टिन्ह कुंवर निहारे। लिए गोद कर मोद समेता, को कहि सकै भयहु सुख जेता। बधु स प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। देखि समाज मुदित रनिवासु, सबके पुर आनंद की उबासु। कहउ भूप जिमे भयो बिबाहु, सुन सुन हर्ष होत सब काहू। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहु विधि भूप भाट जिम बरनी, रानी सब प्रमुदित सुनी करनी। सुतन समेत नहाई निप, बोली विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन कीन्ह अनेक विधि, घड़ी पंच गई राती। मंगल गान करही बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचय पान सब काहू पाए, सग सुगंध भूषित छवि छाए। राम ही देखि रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समाउ समाज मनोहर ताई। कही न सकहि सत सारद सेसु, वेद विरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहा कवन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई कि धरनी। नृप सब भात सब ही सन मानी, कहि मृदु बचन बुलाई रानी। बधु लरकन पर घर पर आई, राखे नयन पलक की नाई। लरिका समित उन्हीं बस, शयन करावहु जाई। अस कहि गे विश्राम गृह, राम चरण चितु लाई।
तब सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह और आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे अब वहां पधारे और बहुओं सहित उन्होंने कुमारों को साथ साथ देखा तो राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे भला कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया। तो यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। तो राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। तो जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। तो सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई है। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती शेष वेद ब्रह्मा महादेव जी और गणेश जी भी नहीं बखान कर सकते। फिर भला मैं कैसे उसका बखान कहूं, तुलसीदास जी कह रहे। तो कहीं कैचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। तो राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं भी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इन्हें सुख पहुंचाना। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर दशरथ अपने विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मन पलंग डसाए। सुभग सुरभि पाय फेन समाना, कोमल कलित सुपेति नाना। उप बरहन बर बरन न जाही, स्रग सुगंध मन मंदिर माही। रतन दीप सुठ चारो चंदोवा, कहत न बनई जान जेही जोवा। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए। आज्ञा पुनि पुनि भाइन दीन्ही, निज निज सेज शयन तिन्ह कीन्ही। देखि श्याम मृदु मंजुल गाता, कहहिं सप्रेम वचन सब माता। मारग जात भयावन भारी, केहि विधि तात ताड़का मारी। घोर निसाचर बिकट भट, समर्ग नहीं नहीं काहू। मारे सहित सहाय किमि, खल मारी च सुबाहु। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, इस अनेक करवरे टारी। मकरखवारी कर दूहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। मुनि तेतरि लगत पत धूरी, कीरत रही भुवन भर पूरी। कमठ पीठ पबिकूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धन तोरा। विश्व विजय जस जानक पाई, आए भवन ब्याहि सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे।
आज सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरंच जन पा रही लेखे। राम प्रतोषी मातु सब कहे बिनीत बर बैन, सुमिरि शंभु गुर विप्र पद किए नींद बस नैन। तो राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तकियों का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो बस वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर प्रौढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। तो श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित कैसे मारा तुमने। तो हे तात, मैं बलैया लेती हूँ। मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, यानी मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र की कृपा ने ही सुधारा है, संपन्न किया है। तो हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया है। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा आप गिनती में न लाए। तो विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया और फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया। नींदौ बदन सोह सुठी लोना, मनहु सांझ सर सिरुह सोना। घर घर करहि जागरण नारी, देहि परस्पर मंगलकारी। पुरी विराजत राजत रजनी, रानी कहे बिलो कहु सजनी। सुंदर बदन सासु ले सोई, फनकन जनु सिर मन उर गोई। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे। बंद माग धन गुन गुन गाए, पुरजन द्वार जो हारन आए। बंद विप्र सुर गुर पितु माता, पाए असीस मुदित सब भ्राता। जनन सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग धारे। कीन्ही सोच सब सहज सुची, सरित पुनीत नहाए। प्रात क्रिया करि तात पहि, आए चारिउ भाई। भूप बिलो के लिए उर लाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई। देखि राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे,
निरखि राम दो गुरु अनुरागे, कहहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महीष सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। बोले बाम देव सब साची, कीरत कलित लोक तिहु माची। सुने आनंद भयहु सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहु। मंगल मोद उछाहनित, जाहि दिवस ही भांति। उमगी अवध आनंद भरे, अधिक अधिक अधिकाते। तो नींद में भी श्री राम का अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमय गालियां दे रही हैं। तो रानियां कहती हैं, ये एक अजीब ही प्रथा है विवाहों में गालियां देने की। तो रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूं कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया। प्रातः काल पवित्र ब्राह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोल बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आ गए। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई बहुत प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर बाहर पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया और उसके बाद वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों सहित उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। तो वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। तो वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सबको आनंद हुआ। तो श्री राम लक्ष्मण के हृदय में तो और अधिक उत्साह और आनंद पैदा हुआ। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते रहे। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखे सिहाही, अवध जन्म जाच विधि पाही। विश्वामित्र चलन नित चहही, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सै गुण भूपति भाऊ, देखे सराह महा मुनि राऊ। मांगत विदा राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाड़ भी आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। करब सदा लर कन्ह पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कह राव सहित सुत रानी, पर चरण मुख आवन बानी। दीन्ही आशीष विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुंचाई। राम रूप
पति भगति ब्याहु छाहु आनंदु जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंदु बाम देव रघु कुल गुर ज्ञानी बहुरी गाधि सुत कथा बखानी सुनि मुनि सुजसु मन ही मन राउ बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ बहुरे लोग रजाय सुभयऊ सुतन समेत नृपति गृह गयऊ जह तह राम ब्याहु सब गावा सुजसु पुनीत लोक तेहु छावा आए ब्याहि राम घर जबते बसई आनंद अवध सब तबते प्रभु विवाह जस भयउ छाहु सकहिन बरनि गिराहि नाहु कबि कुल जीवन पावन जानी राम सीय जसु मंगल खानी तेहि ते मैं कछु कहा बखानी करन पुनीत हेतु निज बानी निज गिरा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कहो रघुवीर चरित पार बारिधि पारु कवि कोने लहो उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही बैदेहि राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही सिय रघुवीर विबाहु जे सब प्रेम गावहि सुनहि तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। तब अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए अर्थात बढ़ते गए। तो इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना चाहते हैं अपने आश्रम जाना चाहते हैं पर रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का सौगुना भाव और प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और बोले हे नाथ ये सारी संपदा आपकी है मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती थी। तो ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौट आए। अब गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप राजा दशरथ जी की भक्ति और चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। तो जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। तो श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला
और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, तो अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने ये राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र तो अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। तो श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद बना रहेगा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। जय श्री राम। तो इस 361वें दोहे के साथ हम आज बालकांड का यहाँ समापन कर रहे हैं, 12वें मास पारायण विश्राम पर। कल से प्रारंभ करेंगे अयोध्या कांड का पाठ। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। जय श्री राम। नमस्कार। जय भारत।